हेलो डी राल, हम लोग बात करने जा रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज द गुस्तव किरचॉफ। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक तो किरचॉफ करंट लॉ और सेकेंड लॉ दिया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनके सेकेंड लॉ को, दैट इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये एक जर्मन के फिजिक्स के प्रोफेसर थे जिनका जन्म कोइंसबर्ग पर्शिया, जो आज के टाइम पे रशिया में है, और ये इनकी डेथ जो हुई थी वो जर्मनी में हुई थी 1887 में। इनका जो कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा स्टेटमेंट था, क्या था कि किसी भी क्लोज पाथ में, सर्किट कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के क्लोज पाथ में जितने भी एलिमेंट हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज का समेशन आएगा वो जीरो होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। क्या क्या दिया था? अल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड लूप आर सर्किट विल बी जीरो। इसको हम एक मैथमेटिक्स के टर्म में दिखाएं तो क्या बोलेंगे कि सपोज कोई भी एक क्लोज पाथ है जिसमें के नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो उसमें उसको मैथमेटिक्स के टर्म में हम दिखा देंगे समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 to k, वी जे इज इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि भाई एक क्लोज पाथ में जितने एलिमेंट हैं सबके एक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करें और इसके बाद उनका नेट समेशन जो है जीरो कर दें, तो इसे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इक्विपोटेंशियल क्या है कि अगर दो पॉइंट जो सेम पोटेंशियल पर हैं, उस केस में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप मूव करते हैं सो कोई भी वर्क नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इस केस में। देखें, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने दो दो पॉइंट सेलेक्ट किया ए एंड बी, और एक चार्ज मूव कर रहा है ए से बी के बीच में, इट मींस एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दे आर हैविंग एट द सेम पोटेंशियल, सो देर इज अ जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा सो ऑब्वियसली जो वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। इट मींस वर्क डन दैट इज द चार्ज इनटू वी ए माइनस वी बी, या अगर सेम चार्ज अगर मूव कर रहा है बी से लेकर के ई तक, बिकॉज ई बी ए दे आर ऑल एट द सेम पोटेंशियल, सो इन दैट केस आल्सो वर्क डन विल बी जीरो। सो अल्टीमेटली जो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात करते हैं कि एक क्लोज पाथ में जितने एलिमेंट मिलते हैं सबके एक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं और मूव करते हुए अल्टीमेटली फिर वहीं स्टार्ट हो जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ओके, सो इट मींस इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। इसके लिए दो साइन कन्वेंशन है, आप इनमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं। हम जो है फॉलो करेंगे, हमारा सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट फॉलो करने का है, वोल्टेज राइज को प्लस यूज करना है, वोल्टेज ड्रॉप को माइनस यूज करना है। ठीक है, तो अगर कोई सपोज वोल्टेज सोर्स है और आप जो है क्लोज पाथ में सबके क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं, और सपोज माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा है, देन देयर इज अ वोल्टेज राइज, वी विल टेक प्लस साइन। और अगर वहीं पर अगर आप मूव कर रहे हैं प्लस टू माइनस, मीन्स देर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, वी विल टेक माइनस साइन। अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये दो सिंबल नॉर्मली यूज होते हैं, आइदर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर लाइक दिस वे। ओके, रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो हमेशा इसके क्रॉस पावर का वेस्ट होता है, पावर की का लॉस होता है। तो हमेशा जो है इसके क्रॉस क्या होता है, देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, सो इन दैट केस वी ऑलवेज यूज माइनस साइन। ठीक है, अगर आप इसका जस्ट अपोजिट रूल फॉलो करें स्टिल यू विल गेट सेम आंसर, बट आपको एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को माइनस, वोल्टेज राइज को प्लस। तो उसके लिए हम लोग एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब आप डिफरेंट बुक्स को रेफर करेंगे तो आपको मिलेगा किसी में करंट I1 एज्यूम कर रखा है, किसी में I2 एज्यूम कर रखा है, किसी में I3 एज्यूम कर रखा है, मीन्स जितनी ब्रांचेस होंगी उतनी ब्रांच करंट एज्यूम कर रखा होगा। लेकिन इससे बहुत टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये कंफ्यूजन आपको कभी ना आए इसलिए हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले पता करना है कि कितने इंडिविजुअल मेस हैं। मेस वो क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर फिर से कोई क्लोज पाथ नहीं होता है। ठीक है,
तो आपको पता करना है कि कितने इंडिविजुअल मेश हैं। जितने इंडिविजुअल मेश होंगे उतने ही मेश करंट आपको एज्यूम करना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसके बाद किसी एक पॉइंट, एक मेश में सपोज आप केवीएल लगा रहे हो, तो एक पॉइंट से स्टार्ट करो और जहां से स्टार्ट किया फाइनली वहीं पे पहुंच जाओ। जितने एलिमेंट मिले सबके क्रॉस वोल्टेज निकालो, नेट समेशन जीरो कर दो। ओके, तो अगर वोल्टेज सोर्स मिलता है तो उसका वोल्टेज तो पहले से मालूम है। अगर रजिस्टर मिलता है उस केस में उसके क्रॉस वोल्टेज नहीं मालूम है, आपको ओम्स लॉ का यूज करके वोल्टेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? आई इंटू आर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ओम में वोल्टेज निकालना है तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू I1। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो दो मेश के बीच में कॉमन है, उस केस में क्या करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे दो करंट फ्लो कर रही होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस मेश में आप मूव कर रहे होंगे वो मेश आपकी रेफरेंस करंट बन जाएगी, और इसका अपोजिट अगर कोई मिलता है तो उसको माइनस में लेना है। सेम डायरेक्शन में कोई मिलता है तो प्लस में लेना है। कैसे? इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज एक रजिस्टर है आर, और यही आर की वैल्यू है सपोज 6 ओम। हम इसी ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं, 6 ओम इसके बारे में। तो इस केस में अगर आप देखो यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड से जो करंट है वो I1 है, और इसके राइट साइड से जो करंट है वो I2 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो अगर आप पहले मेश में केवीएल लगा रहे होंगे तो आपकी पहले मेश की करंट I1 रेफरेंस हो जाएगी, तो इसमें करंट आ जाएगी I1 - I2। अगर आप दूसरे मेश में केवीएल लगा रहे होंगे तो उस समय जब आप इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो आपका I2 रेफरेंस हो जाएगा, तो इसमें करंट हो जाएगा I2 - I1। बस यही कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सपोज देर इज अ नीड टू फाइंड आउट करेंट इन ईच ब्रांच एंड पावर डिलीवर्ड एज वेल एज पावर कंज्यूम्ड, ओके, यूजिंग केवीएल। तो ये स्टेप्स मैंने मेंशन कर दिया है आपको। सिंपली क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, मेस को पता करना है। इसके बाद मेस करेंट आप एज्यूम कर लो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और प्रॉब्लम आप फेस फेस कर सकते हैं, जो ब्रांच कॉमन हो उसमें करंट क्या निकाली जाए, कैसे निकाली जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस मेश करंट के बेसिस पर निकालना है। तो रेफरेंस मेश करंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस मेश में आप मूव कर रहे होंगे वो मेश आपकी रेफरेंस हो जाएगी, उस मेश की करंट रेफरेंस करंट हो जाएगी। और उसके डायरेक्शन में कोई करंट मिलती है किसी ब्रांच में तो प्लस लेना है, नहीं मिलती अपोजिट मिलती है तो माइनस लेना है, नहीं मिलती है तो कुछ भी नहीं लेना है, सिंपल। और केवीएल लगाना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखें इसमें दो मेश हैं, दो इंडिविजुअल क्लोज पाथ हैं। तो एक में करंट I1 एज्यूम कर लिया है, दूसरे में करंट I2 एज्यूम कर लिया है। तो पहले मेश में करंट अप्लाई करते हैं, पहले मेश में केवीएल अप्लाई करते हैं। तो सपोज हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है करंट के डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। और जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे फाइनली रीच कर जाना है। तो आप देखें सबसे पहले क्या मिला, 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो आ गया 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो कितना आ गया? 18। इसके बाद 2 ओम का रेजिस्टेंस, सो -2 I1। फिर 6 ओम का रेजिस्टर, -6 × करंट इन दिस विल बी व्हाट, I1 - I2। I1 आपकी रेफरेंस है, I2 इसका अपोजिट है, तो क्या आ गया? I1 - I2। ओके, इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गए। बिकॉज सिर्फ सिर्फ कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे, एक वोल्टेज सोर्स, एक 2 ओम का रेजिस्टर, एक 6 ओम का रेजिस्टर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ गया, 8I1 - 6I2 = 18। इक्वेशन 1 तैयार हो गई, पहले मेश से आपने पहले इक्वेशन तैयार कर लिया। अब आते हैं दूसरे मेश में। सो नाउ अप्लाई द केवीएल इन सेकेंड मेश। तो सपोज मैंने यहां से स्टार्ट किया है, बस ध्यान रखना यहां से स्टार्ट, जहां से स्टार्ट करेंगे फाइनली वहीं पे पहुंच जाना है। तो आप देखें सबसे पहले क्या मिला आपको, 4 ओम का रजिस्टर मिला। तो बिकॉज ऑफ रजिस्टर यूज माइनस साइन, और यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, 4 × I2। अब आ जाइए आगे, 8 ओम में तो रजिस्टर है, माइनस साइन लगाया और वोल्टेज कितना आ गया, 8 × I2। आगे मूव किया, फिर से एक रजिस्टर आ गया 6 ओम का, फिर से माइनस साइन लगाया
और इसमें करंट क्या हो जाएगी, I2 माइनस I1। अब ध्यान रखना मेश 2 में आप चल रहे हैं तो मेश 2 की करंट I2 रेफरेंस है, I1 इसका अपोजिट मिल रही है, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, I1 का टर्म एक साथ, I2 का टर्म एक साथ, तो आपको मिल गया माइनस 6I1 प्लस 18I2 इज इक्वल टू 0। दूसरे मेश से दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई है। इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड जो आपने अभी तक 12th लेवल तक पढ़ा होगा, चाहे दूसरे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लीजिए और I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो कितना आ गया, I1 3 एम्पियर, I2 1 एम्पियर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई आपने क्या किया, हर मेश की इंडिविजुअल करंट को फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि हर एलिमेंट में कितनी आ रही करंट वो निकालना है। तो आप देखें 2 ओम में करंट क्या आ जाएगी, I1 दैट इज 3 एम्पियर। फिर 4 ओम और 8 ओम में करंट क्या हो जाएगी, I2 दैट इज 1 एम्पियर। और इसमें करंट 6 ओम में करंट क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली या तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, डिपेंड करता है कौन लार्ज है। I1 is larger than I2, तो क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 दैट इज 2 एम्पियर। अब पावर की बात करते हैं, तो पावर क्या होता है, I square R। तो सब हर ब्रांच के करंट आपने निकाल लिया है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो अब वैल्यू पुट कर दो। पहले में आ जाएगा 2 इंटू I1 स्क्वायर, इसमें आ जाएगा I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर इंटू 6, 4 में आ जाएगा I2 स्क्वायर इंटू 4, 8 में आ जाएगा I2 स्क्वायर इंटू 8। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल गया पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर एंड पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं, विदाउट अप्लाइंग द KVL वी कैन सॉल्व द सर्किट। तो आप देखें इसका सिंपल सा शॉर्टकट क्या है, आप पहले मेश में मूव करिए करंट के डायरेक्शन में, जितने रजिस्टर लगे हैं उनको ऐड कर दो। दो रजिस्टर हैं, एक 2 ओम का एक 6 ओम का, दोनों को ऐड करके I1 के साथ लगा दो। 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8 I1। इसके बाद वो रजिस्टर देखो जो दोनों में कॉमन है, उसको माइनस साइन के साथ I2 के साथ लगा दो। तो एक रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस है 6 ओम, तो कितना आ गया, माइनस 6 इंटू I2 इज इक्वल टू जितने वोल्टेज सोर्स हैं उनको साइन कन्वेंशन जो भी हमने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग पुट कर दो, दैट इज द 18। इक्वेशन 1 आपकी रेडी हो गई। अब आइए मेश नंबर 2 में। मेश नंबर 2 के लिए आप ध्यान से देखो, जितने भी रजिस्टर मेश 2 में हैं उनको ऐड करो, उनके रेजिस्टेंस को ऐड करो, 4 8 एंड 6 दैट इज द 18, उसको I2 के साथ लगा दो, 18 I2। इसके बाद वो रजिस्टर देखो जो दोनों में कॉमन है, That is 6, उसको माइनस साइन के साथ साइड वाले मेश करंट के साथ लगा दो, इट मींस माइनस 6 I1 इज इक्वल टू जितने बैटरी हैं उनका उनके वोल्टेज का समेशन करो, इक्वेट करो जीरो को, तो कितने बैटरी हैं, कोई भी नहीं है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, अगेन यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो मेस एनालिसिस से करें या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप डायरेक्टली इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ओके?